हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो सवेलो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो छात्र BA द्वितीय वर्ष में और उनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। दोस्तों, समाजशास्त्र के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं, हमने इस वीडियो में कवर किया है। ओके, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वन लाइनर के रूप में हमने सभी पुस्तकें और लेखक कवर कर दिया था। ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, ये जो वीडियो है ऑब्जेक्टिव है, वो था वन लाइनर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन दिया हुआ है वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, देरी न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, यानी चैनल पर पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तभी हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। घंटी वाला बटन जरूर दबाना। इससे क्या होगा कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम्स आप सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये जितने भी बुक हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बुक और आर्थर से। ओके, तो थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम आप सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क्रच और क्रचफील्ड, हार्टन एवं हंट, लुसेक, किम्बाल यंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रच और क्रचफील्ड, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? क्रच एंड क्रचफील्ड। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ओके, चलिए देखते हैं अगला बुक। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम प्रत्येक वीडियो का PDF शेयर कर देते हैं, वहाँ से आप प्रत्येक वीडियो का PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर के साथ। दोस्तों, सबसे खास बात यूट्यूब चैनल की ये है, लो समझ लो यूट्यूब चैनल की, कि इसमें जो PDF दिया जाता है आपको आंसर के साथ दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इसलिए आप देरी न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप स्नातक में अच्छे मार्क लाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ। ओके, दूसरा नंबर है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, मैरिल और एल्ड्रिज, डॉक्सन एवं गेटिस, पार्सन्स, लेस्टर वार्ड। ओके, चार ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं मैरिल और एल्ड्रिज, यानी ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैरिल और एल्ड्रिज। ओके, तीसरी बुक है द चिल्ड्रन ऑफ द सन पुस्तक के लेखक कौन है? दी चिल्ड्रन, दी या द, ओके, THE, जाए आप दा पढ़ो या दी पढ़ो, तो दी चिल्ड्रन ऑफ दी सन पुस्तक के लेखक हैं, चार ऑप्शन हैं, मॉरिस जिन्सबर्ग, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इलियट स्मिथ, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी पैरी। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर, तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। द चिल्ड्रन ऑफ द सन पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, याद रखिएगा, सी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का परिचय किसने लिखा या किसने लिखी? चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका TB बाटो मोर, बी ऑप्शन है JB मैकी, सी ऑप्शन है दुर्खिम और डी ऑप्शन है कामटे। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए। अगर जो भी चीज़ें आप कमेंट में लिख देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, तो कमेंट में लिखना ना भूलें, हमारे बताने के बाद लिखें या पहले लिखें, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, TB बाटो मोर। ओके, TB बाटो मोर, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी किसने लिखा है? TB बाटो मोर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? गार्नर, मैकाइवर, बाटोमोर, गिंग्सबर्ग। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, फटाफट आंसर कीजिए। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी,
गिंसबर्ग, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट के लेखक कौन है? गिंसबर्ग, तो डी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या है 6। सोशियोलॉजी एंड कल्चर के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी एंड कल्चर के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, मेरिल ए ऑप्शन हो गया, बी है मैकाइवर और पेज, ऑप्शन सी है पाउंड या ऑप्शन डी है हाईलैंड। बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकाइवर और पेज, यानी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोशियोलॉजी एंड कल्चर के लेखक कौन है? मैकाइवर और पेज। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या है 7। द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स, ड्रास, दुर्खिम, समनर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्सन्स, पार्सन्स ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा आप लोग। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 है। द या दी प्रोपागंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आगबर्न, ऑप्शन बी है लुमले, ऑप्शन सी है किम्बल यंग या ऑप्शन डी है लास्वेल। तो दी प्रोपागंडा पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लास्वेल, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दी प्रोपागंडा पुस्तक के लेखक कौन है? लास्वेल, याद रखेंगे डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जाति वर्ग और व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? जाति वर्ग और व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है एन के दत्त, बी ऑप्शन है मजूमदार और मदान, ऑप्शन सी है केतकर, ऑप्शन डी है जी एस घुरिए। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी जी एस घुरिए। तो जाति वर्ग और व्यवसाय के लेखक कौन है? जी एस घुरिए, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। ओके, वीडियो को पुश कर करके रोक करके थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी सोशल मीडिया के जरिए हैं जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यानी जो भी चीज़ें आप चलाते हैं सोशल मीडिया, उसके जरिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी छात्र बीए की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? मिडल, स्पेंसर, मार्टन, योगेंद्र। चार ऑप्शन है, देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिडल। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 11। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस के लेखक कौन है? गिंसबर्ग, आगबर्न न्यूमकॉफ, हावाउस, लुमले। देखिए इसका राइट ऑप्शन जो है गिंसबर्ग हो जाएगा। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस के लेखक हैं गिंसबर्ग। ओके, प्रश्न संख्या है 12। थ्योरीज ऑफ सोशल प्रोग्रेस के लेखक कौन है? कामटे, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, ए जे टाट। ओके, तो चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ए जे टाड, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थ्योरीज ऑफ सोशल प्रोग्रेस के लेखक कौन है? ए जे टाड, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 है। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज इन सोसाइटी के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, गिंसबर्ग, मैक्स वेबर, दुर्खिम या स्पेंसर। तो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गिंसबर्ग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज इन सोसाइटी के लेखक कौन है? गिंसबर्ग, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, आगबर्न एंड न्यूमकॉफ, बी ऑप्शन है हार्टन और हंट, सी ऑप्शन है रूसेक, डी ऑप्शन है लास्वेल। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आगबर्न एंड न्यूमकॉफ, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आगबर्न एंड न्यूमकॉफ। ओके, प्रश्न संख्या है 15।
एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लेखक कौन है? ए है मजुमदार और मदान, बी है गिंग्सबर्ग, सी है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मजुमदार और मदान, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लेखक कौन है? मजुमदार और मदान। तो याद रखेंगे ए आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 16। पुस्तक एंशिएंट, पुस्तक जो है पुस्तक का नाम है एंशिएंट सोसाइटी के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है आपके सामने, ए है मॉर्गन, बी है स्पेंसर, सी है कार्ल मार्क्स और डी है ऑप्शन दुर्खिम। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉर्गन, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंशिएंट सोसाइटी के लेखक कौन है? मॉर्गन, ए आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 17। डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन द इवोल्यूशन ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, गिनी, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है हेराल्ड और डी ऑप्शन है ब्यूगले। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हेराल्ड, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन द इवोल्यूशन ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? हेराल्ड, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। द फैमिली स्पेशियल पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मॉरर, ऑप्शन नंबर बी गुडे, ऑप्शन नंबर सी रैल्फ, ऑप्शन नंबर डी फालसम। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मॉरर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फैमिली स्पेशियल पुस्तक के लेखक कौन है? मॉरर, तो याद रखेंगे ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 है। इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन किसकी पुस्तक है? इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन किसकी पुस्तक है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एडर्सन और पार्कर, ऑप्शन बी फलसग, ऑप्शन सी बर्गेस, ऑप्शन डी लॉक। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एडर्सन और पार्कर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन किसकी पुस्तक है? एडर्सन और पार्कर की। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, प्रश्न संख्या है 20। द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पी एच प्रभु, बी ऑप्शन आकबर्न, सी ऑप्शन बर्गेस और डी ऑप्शन लॉक। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी एच प्रभु, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पी एच प्रभु, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बर्गेस और लॉक, ऑप्शन बी आकबर्न, ऑप्शन सी पी एच प्रभु, ऑप्शन डी हैबिट। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पी एच प्रभु, तो फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? पी एच प्रभु, याद रखेंगे, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। मानव और संस्कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए ए सी दुबे, ऑप्शन सी, देखिए क्रम बदल गया है, ऑप्शन सी मुर्डॉक, ऑप्शन बी मैलिनोवस्की और डी ऑप्शन है मैकाइवर और पेज। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सी दुबे, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? ए सी दुबे। क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी गिलिन और गिलिन और ऑप्शन डी है मैकाइवर। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए लास्की। द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस इसके लेखक हैं लास्की, तो ए आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मैकाइवर, ऑप्शन बी गार्नर,
ऑप्शन सी है फेयरचाइल्ड, ऑप्शन डी है दुर्खिम। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइक आइवर, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है, माइक आइवर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 है, एजुकेशन इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसने लिखी, एजुकेशन इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसने लिखी, एडर्सन, ब्राउन, फ्लाइड, बाटोमोर। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एडर्सन। एजुकेशन एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसने लिखी, एडर्सन, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 26, फाइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी जिसको हिंदी में बोला जाता है समाज का मनोविज्ञान, पुस्तक किसकी है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ए है ब्लूमर की, बी ऑप्शन गैलप की, सी ऑप्शन जिन्सबर्ग की, डी ऑप्शन लिपमैन की। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिन्सबर्ग की, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी यानी समाज का मनोविज्ञान, पुस्तक किसकी है, जिन्सबर्ग की। ओके, नेक्स्ट है 27 नंबर, प्रिमिटिव रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है टाइलर, बी ऑप्शन है बोहनन, सी ऑप्शन है लोबी, डी ऑप्शन है फ्रेजर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोहनन, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 28 है, द गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मैक्स मूलर, ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन दुर्खिम, सी ऑप्शन वेबर, डी ऑप्शन जेम्स फ्रेजर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स फ्रेजर, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। द गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जेम्स फ्रेजर, याद रखेंगे डी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है ड्यूबिन, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है कॉर्नर। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ड्यूबिन, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, ड्यूबी। ओके, प्रश्न संख्या 30 है, ये पुस्तक आपको एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, रिपब्लिक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन आपके सामने अरस्तु, बी प्लेटो, सी रूसो, डी डेविस। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिपब्लिक के लेखक कौन है, अरस्तु। ओके, अगला प्रश्न, 31 नंबर पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसकी हिंदी होती है परिवार व निजी संपत्ति का उद्गम नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है माइक आइवर, ऑप्शन बी है कोलेंडा, ऑप्शन सी एंजल्स, ऑप्शन डी डेविस। अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब हम बताते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंजल्स, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसकी हिंदी होती है परिवार व निजी संपत्ति का उद्गम नामक पुस्तक के लेखक हैं एंजल्स, तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32 नंबर, ये 32 है, ओके 32 नंबर, सामाजिक संरचना पुस्तक के लेखक हैं। चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है जो आपका हीगल, ऑप्शन बी है मर्डॉक, ऑप्शन सी एंजल्स, ऑप्शन डी पार्सन्स। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मर्डॉक, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, ऑप्शन बी है प्लेटो, सी गार्नर, डी पार्सन्स। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्सन्स या पार्सन्स, कहीं कहीं आपको पार्सन्स देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पार्सन्स। ओके, तो दोनों सेम ही है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 34, हिंदू लॉ एंड कस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जेडी मेन, हेनरी मेन, एफडी मुल्ला, डॉक्टर दुबे, यानी चार ऑप्शन है आपके सामने। हिंदू लॉ एंड कस्टम नामक पुस्तक के लेखक जो हैं
वो है जेडी मेन, यानी ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदू लॉ एंड कस्टम नामक पुस्तक के लेखक जेडी मेन, याद रखेंगे ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35, 35 नंबर प्रश्न है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जो कितकर, ऑप्शन बी नर्मदेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी आई पी देसाई, डी ऑप्शन जो है के एम कपाड़िया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई पी देसाई, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या है 36 नंबर, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन ए है के एम पाड़ीकर, ऑप्शन नंबर बी है सर जादूनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर घुरिए, ऑप्शन नंबर डी है बी कुप्पा स्वामी या कुप्पू स्वामी। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए के एम पड़िक्कर, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 37, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं मजूमदार, बी ऑप्शन डॉक्टर दुबे, सी ऑप्शन पड़िक्कर, डी ऑप्शन के एम कपाड़िया। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी के एम कपाड़िया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के एम कपाड़िया, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं, चार ऑप्शन हैं पी एन प्रभु, बी ऑप्शन है के एम कपाड़िया, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर डी है हेनरी मेन। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट में ज़रूर लिखा करें आप लोग, चाहे ऑप्शन लिख दें या फिर पूरा नाम लिख दें। ओके देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पी एन प्रभु, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं पी एन प्रभु। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39 नंबर, मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, ए है याज्ञवल्क्य, बी है पराशर, सी है मनु, डी है बोधायन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मनु, तो जैसे मनु स्मृति है, मनु आगे आया है ना, तो इसके लेखक ही मनु है। ओके तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक हैं वेस्टर मार्क, ऑप्शन ए बी टाइलर, सी मार्गन, डी बी फॉल्ट। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए वेस्टर मार्क, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक हैं वेस्टर मार्क, यानी ए आपका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या है 41 नंबर, दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं ए ऑप्शन वेस्टर मार्क, बी ऑप्शन बैकोफन, सी ऑप्शन ड्री फॉल्ट, डी ऑप्शन है हेनरी मेन। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ड्री फॉल्ट, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ड्री फॉल्ट। ओके तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 42, फोल्कवे, फोल्कवे यानी लोक रीतियाँ पुस्तक किसने लिखी? चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सी एच कूले, बी ऑप्शन पी वी यंग ने, सी ऑप्शन समनर ने, डी ऑप्शन पार्सन्स ने। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी समनर ने, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोल्कवे लोक रीतियाँ पुस्तक किसने लिखी? समनर ने। ओके याद रखेंगे सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 43, ए थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ए थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखी? चार ऑप्शन है, गुरविच ए ऑप्शन,
बी ऑप्शन मूर ने, सी ऑप्शन लेवियर ने, डी ऑप्शन किम्बाल यंग ने। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी लेपियर ने। तो दी थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखी? लेपियर। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 44 है, सोशल कंट्रोल पुस्तक किसने लिखी? लेपियर ने, किम्बाल यंग ने, दुर्खिम ने, एडवर्ड ड्रॉस ने। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी एडवर्ड रॉस ने। सोशल कंट्रोल पुस्तक किसने लिखी? एडवर्ड रॉस ने। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45, सोशल कंट्रोल के लेखक कौन है? रॉस, बाटोमोर, मैकाइवर और पेज, ग्लिन और गिलिन। वहाँ इंग्लिश में था, यहाँ हिंदी में लिखी गई है। ओके, तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है रास। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, वो इंग्लिश की बुक है, वो ये हिंदी की बुक है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 46, मैन एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? मैन एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कार्ल मैन हिम, बी ऑप्शन किम्बल यंग, सी ऑप्शन लेपियर, डी ऑप्शन कार्ल मार्क्स। यानी करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए, कार्ल मैन हिम। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 47, थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल, 47 नंबर है, थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन है? लेपियर, ऑकबर्न, मार्क्स, दुर्खिम। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेपियर। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थ्योरी ऑफ कंट्रोल पुस्तक के लेखक कौन है? लेपियर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48, सोशल पैरालिसिस एंड सोशल चेंज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एनजे स्मेल्सर, ऑप्शन बी डेनियल बेल, ऑप्शन सी एलटी हाउस, ऑप्शन डी पीए सोरोकिन। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एन जे स्मेल्सर। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 49, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? वेस्टरमार्क, ए ऑप्शन है आपका, बी है एम एडरसन, सी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, डी ऑप्शन है जुकर मैन। तो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम एडरसन। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? एम एडरसन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 50, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक हैं? मेल एंड फीमेल यानी स्त्री और पुरुष पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मार्गरेट मिड, ऑप्शन बी है रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन सी है रल्प लिंटन, ऑप्शन डी है एस एफ नेडल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मार्गरेट मिल। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 51, किसने प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए माउरर ने, ऑप्शन बी फेरिस ने, ऑप्शन सी सदरलैंड ने, ऑप्शन डी टेम्प्ट ने। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी सदरलैंड ने। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसने लिखा? सदरलैंड ने। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जी एस घुरिये ने, ऑप्शन बी है सी एच कूले ने, ऑप्शन सी है एन के दत्ता ने, ऑप्शन डी है रजनी कोठारी ने। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, रजनी कोठारी। ओके, तो कमेंट जरूर किया कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें। ओके, तो डी ऑप्शन
रजनी कोठारी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 53। हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक किसने लिखी? चार ऑप्शन है, गेराल्ड बेरमैन द्वारा, बी ऑप्शन जी एस घुरिए द्वारा, सी ऑप्शन टी एन मदान द्वारा, डी ऑप्शन एम एन श्रीनिवास द्वारा। देखिए हिंदूज ऑफ हिमालयाज नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है गेराल्ड बेरमैन द्वारा। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 54 नंबर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी कृति है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मूरे की, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह की, ऑप्शन सी दुबे की और ऑप्शन डी है श्रीनिवास की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी योगेंद्र सिंह की, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी कृति है? योगेंद्र सिंह की, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 55। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए है एम श्रीनिवास की, ऑप्शन बी है सोरोकिन की, ऑप्शन सी बेबर की या डी ऑप्शन है स्पेंगलर की। फटाफट आंसर कीजिए कमेंट में। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एन श्रीनिवास की। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसकी है? श्रीनिवास जी की। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है। सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आर एम मैकावर, ऑप्शन बी हार्वर्ड वेकर, ऑप्शन सी राइट मिल्स, ऑप्शन डी टी बी बाटो मोर। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हार्वर्ड बेकर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हार्वर्ड बेकर। ओके, प्रश्न संख्या है 57 नंबर, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी हेरी एम जॉनसन, ऑप्शन सी एलेक्स इकल्स, ऑप्शन डी कार्ल मानहिम। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कार्ल मानहिम, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न संख्या 58 नंबर है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, हर्बर्ट ब्लूमर, बी ऑप्शन डेनियल वेल, सी ऑप्शन गिल्टन सिंगर या डी ऑप्शन एलन टाउरेन। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी डेनियल वेल, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेनियल वेल। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की पुस्तक के लेखक हैं डेनियल वेल। ओके, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे आप लोग, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 59 नंबर पुस्तक है, पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? जर्मन आइडियोलॉजी, चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन मर्टन, बी मार्स, सी वेबलन, डी स्पेंसर। फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मार्स। ओके, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मन आइडियोलॉजी लेखक कौन है? मार्स, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बुक देखेंगे, अगली बुक है 60 नंबर, 60 नंबर है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है या कौन थे? ओके, चार ऑप्शन है, ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी दुर्खिम, सी कूले, डी लिपियर। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी कूले, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर के पुस्तक के लेखक हैं कूले, याद रखेंगे। ओके, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक किसने लिखी या किसकी है? चार ऑप्शन है, पार्सन्स ने, बी सोरोकिन ने, सी मार्टन ने या डी बेबर ने। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्सन्स ने। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक किसकी है? पार्सन्स ने लिखी है। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 62,
ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? चार ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी डेविस ने, ऑप्शन सी सिरोकिन ने, ऑप्शन डी ग्रीन ने। तो फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम बताते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी डेविस ने। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? डेविस ने। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ आपके 2 नंबर अपने एग्जाम में फिक्स कर लिया है आपने। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।